दोस्तों मुझे सिर्फ एक चीज़ कॉमन लगती है कि यार अगर आपके जैसा कोई आपके थॉट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बातें की जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो कि आप 100-200 डॉलर महीने का कमा रहे हो और मैं आके यहीं सामने बोल दूं कि यार मेरा भी इनकम 200 डॉलर आता है, ठीक है, आपको बहुत खुशी होगी कि चलो ठीक है 200 डॉलर इनका भी आता है मेरा भी आता है, बहुत खुशी होगी आपको। लेकिन वहीं पर मैं बोल दूं मेरा 800 डॉलर आता है, 1000 डॉलर आता है, अब आपको यार ये लगेगा कि भाई बंदे का इतना पैसा आता है, मेरा तो कुछ भी नहीं आता, इट मीन्स मैं ब्लॉगिंग में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको जो है पेमेंट मिलेगा, बट वो टाइम का पेमेंट होगा। आपको जो है पेमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा वो पेमेंट, 1000 डॉलर 1200 डॉलर जरूर मिलेगा, बट आपको जो है उतने समय तक वेट करना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों मैं पेमेंट से ज़्यादा या फिर पैसों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देता हूँ, और मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ एक और वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँ जहाँ पर आप सही तरीके से आर्टिकल को पब्लिश कर सको। क्योंकि अगर आपने एक महीने में 50 आर्टिकल पब्लिश कर दिया, 40 आर्टिकल पब्लिश कर दिया, अगर 10-20 आर्टिकल भी रैंक्ड हो गए गाइस, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं होगा। सो अभी जस्ट मैं कीवर्ड रिसर्च ही कर रहा था गाइस, यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ, अभी ये कुछ कीवर्ड रिसर्च चल रहा था सेमरस पे, मैं थोड़ा सा देख रहा था, ठीक है। सो अभी कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं था गाइस, सोच रहा हूँ ये आपके साथ एक बार डिस्कस करूँ कि किस तरह से जो है एक पार्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च किया जाता है और किस तरह से आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रेडी हो गए तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक और वीडियो चाहिए और किस तरह से आर्टिकल लिखते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पर फॉलो करो, वहीं पर हम सही से बातें कर पाते हैं। इस कमेंट सेक्शन में तो मैं बातें नहीं कर पाता हूँ, वहाँ पर चैटिंग से बातें हो जाती हैं, और कुछ भाई लोग तो नाराज़ हो जाते हैं गाइस क्योंकि मैं उनके सवालों का जवाब बार बार नहीं दे पाता हूँ, उनका प्रॉब्लम आ जाता है कई बार एडसेंस रिजेक्शन का, उसमें क्या देखूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। एक बार मैं सिर्फ चेकलिस्ट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ गाइस एक बार में, और वेबसाइट का सारा कुछ कंट्रोल तो आपके पास है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए। और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ एडसेंस को लेकर के, एक दो वीडियोज और आएंगी, आप उनके साथ इंटरेक्ट रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो SEO युक्ति इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू गाइस।